ऐसी के लिए वित्ता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं पढ़िए और स्वयं भी निर्भय बनने का प्रयत्न कीजिए। महाराज काश्मीर जी ने स्वामी जी को रियासत में आने का निमंत्रण भेजा और साथ यह कहला भेजा कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन न करे। स्वामी जी ने उत्तर में कहला भेजा कि पहले तो मुझे आने का अवकाश नहीं है, परंतु मुझे अवकाश मिला और मैं आया तो सबसे पहला प्रयत्न मूर्ति पूजा पर ही दूंगा। यह थी ऋषि की निर्भीकता। महाराज जसवंत सिंह जी ने ऋषि वर को जोधपुर आमंत्रित किया। तब स्वामी जी महाराज वहाँ गए तो प्रतिदिन सायंकाल 4 से 6 बजे वैदिक धर्म मंडल तथा ईसाई मतों का खंडन किया करते थे। नित्य पाठ सहन की लगभग उपस्थिति थी, लेकिन स्वामी जी ईसाई मत के विषय में कुछ कह रहे थे। उस समय फैजुल्ला खान एक क्रिस्टन के भतीजे मोहम्मद हुसैन ने हाथ में तलवार लेकर मुठ पर हाथ रखकर कहा, स्वामी जी हमारे मजहब के संबंध में कुछ मत कहना। उस समय निवेदन ने उत्तर दिया, मैं ईसाई मत पर बोल रहा हूँ, इसको पूरा करके तुम्हारे मोहम्मद साहेब की मौल और इस्लाम मजहब की धज्जियां उड़ाऊंगा। जोधपुर की एक और घटना है। स्वामी जी प्रातः काल वायु सेनाथ राता नाला पहाड़ पर जाया करते थे, वही योगाभ्यास आदि किया करते थे। उस पहाड़ पर बहुधा हिंसक पशु रहा करते थे। जो परमात्मा प्राणी मात्र की रक्षा करता है वही मेरी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करने से मैं रक्षित नहीं रहूंगा। परमात्मा ने मुझे बाहुबल दिया है वही पर्याप्त है, मैं भरोसा करता हूँ, दूसरे के बल का मैं सहारा नहीं करता। मेरठ नगर में स्वामी जी मृतक सिरत खंडन पर व्याख्यान दे रहे थे, इससे वहाँ के ब्राह्मण भक्त में खलबली मच गई। व्याख्यान समाप्ति पर स्वामी जी को जिस मार्ग पर जाना था वे लोग लाठियां लेकर उस मार्ग पर बैठ गए और कहने लगे, दयानंद निकले तो सही, उसे जीता न छोड़ेंगे। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, वे कुछ नहीं कर सकते, ऐसी घटनाओं से मैं समर्था हूँ, मैंने एक सभ्य को समय दे रखा है, इसलिए खैर नहीं सकता। स्वामी जी ने उस गली को गंभीर गति से चलते हुए उसके दूसरे छोर पर पहुँच गए, परंतु किसी को और तक कहने का साहस नहीं हुआ, वे उपद्रवी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तब स्वामी जी महाराज काशी गए तो वहाँ पंडित मंडली के सत्कार के लिए सारा पंडित के सत्कार में दम तो था, परंतु जैसे तैसे करके अपनी लाज बचाने के लिए उपाय सोचने लगे। स्वामी जी को पीड़ा देने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जाने लगे। महाराज ने कहा, बंदे कोई चिंता की बात नहीं है, अंधकार की कमो राशि से निकलने के लिए सूर्य अकेला ही पर्याप्त है। मैं आत्मा हूँ, एक धर्म है, एक परमात्मा है, फिर डर और भय किसका, ईश्वर मेरा कवच है, इस वैदिक आदर्श को कर लेता है। स्वामी जी स्वरों में उपदेश दे रहे थे, ऋषियों व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। ये वचन सुनकर सारी सभा विचलित हो गई, परंतु स्वामी जी की गंभीरता में तनिक भी अंतर नहीं आया। तेरे विचार में मेरा धर्म विचार करना कोई अपराध है तो अपराध प्रेरक मेरा मस्तिष्क ही है, यदि तू अपराधी को दंड देना चाहता है तो यह सोटा मेरे सर पर मार दे।